तो कई बार कुछ लोगों की कुछ बातें हमें अच्छी भी नहीं लगती है ना, कई बार कुछ लोग हमारी ईगो हर्ट कर देते हैं, कई बार हम लोगों की ईगो हर्ट कर देते हैं। तो आज से हमने एक काम करना है, हमने कुछ चार वर्ड्स हैं जिनको अपनी लाइफ में लेके आना है। हमने जब भी टीम की बात हो ये सोचना है, अगर गलती मेरे से हो गई है तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो थैंक यू, आई लव यू। ये चार वर्ड्स, अगर हम ये वाले चार वर्ड्स को अपनी अपने पास रख लेते हैं, इनको बोलते हैं, चाहे इंटरनली बोलते हैं, तो हम एक प्योर सोल हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्योंकि जो जैसे हम होंगे वैसे ही लोगों को, वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको अपने आप को भी बदलना है। कल बात हुई थी कि लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर ऐसा होना चाहिए जो माफ़ करना जानता हो, माफ़ी मांगना जानता हो, लोगों को अप्रिशिएट करना जानता हो, लोगों का धन्यवाद करना जानता हो। क्या हम कर सकते हैं? किसी में गलतियां ना ढूंढता हो लीडर, राइट? जितना बड़ा बनना है उतना ही हम्बल होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज LDP पे आए हैं, कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो हम लोग भी शुरू में जब मोदी केयर में आए थे, नहीं पता था रिलेशनशिप बिल्डिंग, नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं थी। हमने अपने अपलाइन से सीखा कैसे टीम को मैनेज करना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मोदी केयर बिजनेस रिलेशनशिप बिल्डिंग का है, तो लोगों से प्यार करना है, राइट? और सेल्फ टॉक कौन कौन करता है, कौन कौन सेल्फ टॉक करता है? वो बात जो आप अकेले में अपने साथ करते हो। लोगों के सामने तो हम डिफरेंट तरह के होते हैं, मगर अकेले क्या बोलते हो? अकेले अपने लिए अच्छा बोलते हो? अकेले अपने लिए अच्छा सोचते हो? या दिमाग में कैसा द्वंद्व चलता है? आपकी जीत जो है, उस द्वंद्व की जीत जब हो जाएगी तो उस दिन आपकी जीत हो जाएगी। आपने वही बोलना है, बार बार उसी चीज पे स्ट्रेस दूंगी, क्योंकि मुझे पता है दो चीजें काम करेंगी, एक आपकी मेहनत काम करेगी और एक आपका इंटरनल जो बदलाव है वो काम करेगा। इंटरनली आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उस द्वंद्व को जीतना पड़ेगा, लोगों के साथ प्यार करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से निकलना पड़ेगा। बड़ी जंग जीतनी है तो छोटी जंग को हारना पड़ेगा। आपके सामने आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, आपके फोन में आपका सपना होना चाहिए, आपको अपने सपने पे यकीन होना चाहिए। सपना वो लिखना है जिस पे आपको यकीन हो। मैं हेलीकॉप्टर ले लूँगा, ये कोई सपना नहीं है अभी, जिस पे आपको यकीन हो, जो आपको लगे आप कर सकते हो, अचीवेबल, वो चीज़ें लिखनी है। उसको अचीव कर लो, फिर अगला सपना लिख लो। छोटी छोटी जो सक्सेस है ना, वो बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। हमने पहले छोटी कार लिखी थी, फिर बड़ी कार लिखी, फिर बेटी के लिए कार लिखी। और कहते ना, जो बर मंडे सोई पिंडे जो को जैसे पाए, जो आप लिखोगे वही होगा। गुरबानी में ये भी है, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई थे, जो बोलोगे वो मिल जाएगा। बोलना क्या है वो आपको सीखना है। अपनी बोलबानी को जब चेंज कर लेंगे, हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेंगे। जब हमारा ऑरा हाई फ्रिक्वेंसी का होगा तो हम अट्रैक्ट भी हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे। अगर हम मनी वाली फ्रिक्वेंसी पे हैं तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम एंगर वाली फ्रिक्वेंसी पे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमें एंगर वाले लोग, वो वाले सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करनी है, आपको वो लिखना है जो आपको चाहिए, आपको वो बोलना है जो आपको चाहिए, आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए, उसके साथ साथ जो सभी लीडर बता के गए हैं वो काम करना है जो मोदी केयर में हमारा कर्म है। कहते कर्म करने से किस्मत बदली जा सकती है। मैंने और मुनीश जी ने भी
जहाँ से उठ के आज हम हैं, हम सच में भगवान का जितना शुक्र करें वो भी कम है। सच में जब वो याद आते हैं दिन, वो दिन और आज के दिन, भगवान ने हमें बहुत दिया है। और हमारा लाइफ का कहते हैं ना, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है। हमारी लाइफ का एक पर्पस हो गया लोगों के घर में दिया जलाना। हमारी लाइफ को एक पर्पस मिल गया कि हमें तो पैसा आए, मगर हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों को पैसा आए, तो हमें मतलब कहीं और जाके सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है ये हमारी जो कर्म भूमि मोदी के रहे, इसमें भी एक सेवा का काम है। और हम लोगों को सबको ये एक मिशन मिला है, इस मिशन में हमें इस भाव से काम करना है कि सामने वाले को हम सक्सेसफुल कर रहे हैं। हमें एक भगवान ने मौका दिया है, हमें भगवान ने एक चीज़ हमारे हाथ में दे दी है, इस चीज़ से काम करना है, इस भाव से काम करना है। इस भाव से काम नहीं करना कि मेरा टाइटल हो जाए और सामने वाला चाहे कोई बात नहीं। हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, नुकसान होने नहीं देना है। जो लीडर टीम का नुकसान नहीं होने देता ना, वो लीडर सक्सेसफुल होता है। और एक अच्छे लीडर बनना है, वो सब क्वालिटीज़ जो शरद जी भी कल बता के गए हैं, उन क्वालिटीज़ को फॉलो करना है और भूलना नहीं है अपने सपनों को लिखना। 2023 बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जो आप बेस बनाओगे, जो आप अगले साल के लिए सोचोगे, वो अगले दिसंबर में आप पा लोगे। थोड़ा सा चेंज करना है। देखो, पता नहीं कुछ बातें जो मैंने आज की हैं आपको, मतलब मोदी केयर से हटके हैं ये बातें, मगर ये काम करती हैं, ये साइंस है, ये काम करेगी। ये जो सच में ये जो एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इसको एक्टिवेट करिए अच्छी चीज़ों के लिए और वो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।